17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में अब समाप्त हो चुका है, बस यादें ही शेष हैं, मेहमान यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर आप कहां से आए थे? हम मॉरिशस से आए जी। तो ये 3 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा जी, और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था जी। क्या एक्सपीरियंस रहा, आप क्या यादें लेकर जा रहे हैं? यादें जो मिस्टर विनय अग्रवाल हैं और उसका फैमिली को कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, जितना सम्मान हमें दिया। ये PVD का जो एक कंसेप्ट निकाला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उसके अंतर्गत ये फैमिली को हमारे घर पे रोकने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अच्छा, हमने पूरी मालवा की शान के साथ इनका स्वागत किया, आतिशबाजी ढोल धमाकों के साथ। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट था, यहाँ के निवासियों ने मेजबानी स्वीकार की और मेहमान बने हमारे ही प्रवासी भारतीय, तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको लेकर कुछ बताइए सर। होम स्टे शुरू में हम बुकिंग कर रहे थे होटल का, मगर सब फुल था होटल्स, तब हमने वो होम स्टे देखा तो हमने अप्लाई किया और सक्सेसफुल रहे और हमें बहुत खुशी हुआ कि हम विनय जी के घर पर ठहरे हुए हैं। थैंक यू। हमने कोशिश, चीज की तकलीफ हुई? हर जगह तकलीफ हुई है सर, व्यवस्था बहुत खराब। अच्छा, बहुत खराब व्यवस्था थी। मतलब ये देखिए आप, तो हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, अब वो चाय का स्टॉल लगाया है, एक स्टॉल पे 5,000 आदमी कैसे चाय पियेंगे? पुलिस वाले, आप पे काम करने वाले, वो लोग पहले खाना खा रहे हैं, लाइन लगी हुई है वहाँ पे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी ठीक से। क्या बोले आपको बताइए, तो कहाँ ये जो आप एक्सपेक्टेशन थी उस, आपको किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को, प्रोफेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर को हायर करना चाहिए था सर। इतना प्यार मिला, स्पेशली मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से मेरी व्यक्तिगत 2 बार मुलाकात हुई, ग्लोबल गार्डन में जो वृक्षारोपण हुआ और जो सुविधा मुहैया कराई गई, स्पेशली पधारो मारो देश, हम रियली बहुत गदगद रहे। और अंत में उन्होंने क्षमा मांग के हमें रुला दिया, थोड़ा शर्मिंदा भी किया क्योंकि उनके व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा प्यार लेके हम रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। एक्सपीरियंस PVD, यस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। I have found so many people coming from different countries. It was a nice experience. Okay. Are you satisfied with? I am very satisfied. I am very happy that I have been here in Indore. Indore is a wonderful city. First time you visited? No, I was here for 55 years. Okay. Yeah. As my studies in Nagpur, I visited here and stayed for about a month. Now after 55 years, it's a wonderful experience once again to be here with so many people. What would you suggest for betterment of India? Betterment of India, that there should be proper protocol, like crowds are more, even if small, we should have bigger place, because many people they come, as they have kutumb come. Jab kutumb ke liye jagah nahi to log kya khade rahenge, bahar to ruk nahi sakte. So it's better that next time when there is a thing, any good events, there should be a huge place where everybody is welcome. हमारे साथ हैं जोगिंदर सिंह जी, आपको भी सम्मानित किया गया, क्या उपलब्धियां आपकी रहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में बहुत खुशी हुई, जो इतना बड़ा सारा बहुत बड़ा इनाम मिला है जो हमको, जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है हमको, बाहर रहते हुए हमको 35-40 साल हो गया बाहर में इसी कंट्री के अंदर, तो हम दोनों कंट्री का जो प्राउड है हमको, हम अच्छा रिलेशन बना सकें, दोनों को फ्रेंडशिप बना सकें, उसमें दे नो उनको हमारा कल्चर इंडिया का क्या है, उनका कल्चर यूरोपियन कल्चर है, तो उनको तो सबसे ज़्यादा ये है कि दे लाइक द इंडियन कल्चर, जो लोकल पीपल वहाँ पर हैं, इंडियन कल्चर बहुत पसंद आता है, वो इंडिया आते हैं, दे लर्न योगा, दे लर्न डांस, दे द टीचर नाउ दे आर लर्निंग। My focus is on innovation, so when my focus is on innovation, I always encourage entrepreneurship. So entrepreneurship is one of the important things which projects that what type of skills you do have for abroad. And
There are many startups here in India, but only thing is that we have there established a startup. We see that lives. It doesn't die. Thank you, sir. मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमपी स्वराज।